आज हम एस राजा का 10 HP पेट्रोल इंजन फिट करेंगे पावर ड्रिल मशीन। अनबॉक्सिंग करते हुए मालूम होगी लाइट कवर, टूल बॉक्स हो गया जी, ये इसके टायर हैं इनके। इस तरह मशीन पैक हो के ट्रांसपोर्ट से पैक होके कस्टमर के घर तक जाती है। मशीन का सारा सामान बाहर निकाल लीजिए, आराम से सारा सामान बाहर निकाल लीजिएगा। इस तरह हमने मशीन ये बाहर निकाली है, ये एक्सेसरीज हैं इनकी, ये ब्लेड शाफ्ट हैं 32 ब्लेड वाली रोटरी साथ में आती है, ये डिस्क है इनकी। इनको फिटिंग करने की वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। टायरों में पहले ये शाफ्टें फिट करेगी इंजन की हमारी, ये शाफ्ट हैं। अगर इजी टर्न साथ में है तो ये प्लेन करना पड़ता है यहाँ से, अगर इजी टर्न साथ में, इजी टर्न नहीं लगाने हैं हमने तो इन्हें शाफ्टों में इस तरह लगाया जाए। दोनों टायरों में 4-4 बुलेट से हम इन्हें फिट करेंगे। इस तरह हम टायर को यहाँ पे बुलेट लगाएंगे टायरों में, 4-4 बुलेट लगा के 16-17 का स्पैनर से मदद से हम टाइट कर लेंगे। इस तरह 16-17 नंबर स्पैनर की मदद से हम बोल्टों को टाइट कर देंगे। दोनों चक्कों में 4-4 बोल्ट लग जाएं तो टाइट कर देंगे। अब इन्हें हम यहाँ पर शाफ्ट में लगाएंगे, सिलाई मशीन की शाफ्ट में। यहाँ पे होल होता है, होल में होल मैच करके पिन डाल देंगे यहाँ पे। ये हमारी सर्किल पिन दी गई है, यहाँ पे होल में होल मैच करके यहाँ पे पिन डाल दी जाएगी। इसी तरह हम दूसरी साइड में टायर लगाएंगे, इसी तरह दूसरी साइड में भी होल में मैच करके पिन को लगाएंगे। टायरों में खड़ चुका है ये मशीन। अब यहाँ पे पीछे हुक भी लगा देंगे ताकि ये पीछे रुके ना। तो 3 पिन लगी हुई है, 3 पिन को निकाल के यहाँ पे ये हुक लगा दी। 3 पिन इसीलिए लगाया गया है ताकि इसमें प्लेन आ रहे, आराम से स्मूथली चले। पिन लगाने के बाद ये दही भी हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे इसे नीचे दबा के चलेंगे तो ज़मीन में ये ज़्यादा खोदेगा और अच्छे तरीके से काम करेगी। कोई अटैचमेंट लगानी है तो यहीं पे लगानी है अटैचमेंट भी हमने। अब यहाँ पे हम हैंडल का बेस लगाएंगे। ये हैंडल के बेस के ऊपर हमारा R125 की प्लेट लगी होती है 10 HP की। 4 बोल्ट लगेंगे यहाँ पर भी, 16-17 स्पैनर वाले, 17 नंबर 1.5 इंची वाले मुझे लगते हैं, इन्हें भी हम यहाँ पर लगा के टाइट करेंगे। 16-17 स्पैनर के मदद से टाइट कर लेंगे। इस तरह हम स्पैनर की मदद से इन्हें टाइट कर लेंगे हैंडल को। इसके बाद हम यहाँ पे बुलेट लगाएंगे। बुलेट के यहाँ 6 पहलू हैं, यहाँ से बुलेट लगेगा, डालिए जी इसमें थोड़ा खींच के करके यहाँ पे लगा दें, इसलिए 6 पहलू यहाँ पे लाइट लग जाएंगे। ये देखिए बीच बैठ गए हैं। अब यहाँ पे वाशर लगा के हम बुलेट को टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। बुलेट हमारा हैंडल टाइट हो चुका है। लगाने के बाद हम इनकी वायरिंग लगाएंगे, यहाँ से 10 नंबर की चाबी की मदद से
R125 10 HP में इंजन ऑयल 900 ml डलेगा और गियर ऑयल 2 लीटर डलेगा 90 नंबर का। इंजन ऑयल यहाँ पे डलेगा, यहाँ से गेज हमने निकाली और कीप लगाई है। जो थ्रेड है थ्रेड से नीचे नीचे तक रखना है हमने। इंजन ऑयल 20-40 का 900 ml यहाँ पे डाला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस थ्रेड से नीचे नीचे तक आयल रहेगा, ऊपर रहेगा तो सलेंसर से धुआं देने लगेगा। ऊपर नहीं करना है हमने, ओवर नहीं करना, यहाँ तक ही रखना है थ्रेड से नीचे। देखिए अब थ्रेड से नीचे है, गेज हम लगा देंगे, उसके बाद गियर ऑयल वाली गेज खोलेंगे। ये गियर ऑयल वाली गेज है, तो टाटा चाबी की मदद से खोलें। गियर ऑयल की गेज खोली है, यहाँ पे 2 लीटर गियर ऑयल 90 नंबर का डलेगा। यहाँ पर भी कीप की मदद से हम गियर ऑयल डाल देंगे। गियर 2 लीटर, 2 लीटर पूरा नाप के हमने फिल कर देना है यहाँ पे गियर ऑयल 90 नंबर का। गियर ऑयल फिल हो चुका है, उसके बाद हम यहाँ पर भी गेज को लगा देंगे। गियर ऑयल की गेज लगा, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल फिल किया जाएगा। पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल टैंक में पेट्रोल लगेगा और डीजल वाले में डीजल। ये पेट्रोल है जी, इसमें पेट्रोल टैंक डलेगा। यहाँ पे पेट्रोल फिल कर दिया गया है, पेट्रोल डालने के बाद हम ढक्कन को भी पैक कर देंगे। साइड कवर लगाएंगे जो चक्कों के ऊपर रहते हैं, पीछे वाली एंगल यहाँ पे लगेगी। इन सुराखों में हम 16-17 नंबर के 1 इंची वाले बुलेट लगेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जेड बत्ती लगाई जाएगी, 2 बुलेट हैं आगे वाली जेड बत्ती के, यहाँ पे 2 बुलेट हैं, इन 2 सुराखों में यहाँ पे लगाई जाएगी ये बत्ती। इसी तरह दूसरी तरफ भी यहाँ पे बत्ती लगाई जाएगी जेड वाली। यहाँ पर ये बत्ती, ये लेफ्ट राइट होती है, थोड़ा देख के लगा देना, ये एंगल वाली आगे रहेगी। यहाँ पे ये बोल्टों में लगा देनी है। 10 नंबर स्पैनर की मदद से इन जेड पत्तियों को हम टाइट कर लेंगे। इनके ऊपर फिर कवर लगाएंगे दोनों तरफ से। ये साइड कवर हम इनके ऊपर लगाएंगे, ये कट वाली साइड यहाँ पे कट होगा, ये यहाँ पे लगेगा, तो देखना ये कट वाला और ये बिना कट वाला, ये दूसरी साइड लगेगा। 3 पीछे बुलेट लगेंगे और 2 आगे जेड पत्तियों में लगेंगे। 5-5 बुलेट में ये टाइट हो जाएगा। 10 नंबर वाले बुलेट लगेंगे 5 बुलेट यहाँ पर भी, इसी तरीके से हमने लगा देना है। यहाँ पे हमने ऊपर रख के लगा देना है। इनके साथ ये 2 पीस और आते हैं जो हम इन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे। यहाँ पर ये ऐसे इस तरह आगे बढ़ जाएगा, मैं वीडियो में नहीं लगा के दिखाऊंगा, बाकी अगर आपने लगाने हो तो यहाँ पे 3 बुलेट में ये टाइट हो जाएगा। दूसरी साइड वाला, ये वाला यहाँ पे दूसरी साइड में लग जाएगा। इस तरीके से हम साइड कवर को लगा सकते हैं। गियर रॉड को फिट करेंगे, यहाँ पे स्पिन में डालेंगे। ये को इसमें बैंड डाला गया है, बैंड को नीचे ही रखेंगे, ऊपर से यहाँ पे पिन डाल देंगे। यहाँ पे दोनों में आर पिन डालेंगे। कोई भी रॉड पिन लगानी है वहाँ पे आर पिन लगानी जरूरी होती है ताकि वो पिन निकलना जाए। पिन लगाइए, टूल बॉक्स ले, यहाँ पे रबड़ निकाल देंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स लगाएंगे जिस पे हमारा मॉडल नंबर मेंशन रहता है, यहाँ पे बैठ जाएगा और दोबारा हम इसके ऊपर ये रबड़ लगा देंगे। टूल बॉक्स में 10 नंबर वाले 4 बुलेट लगेंगे, 2 इस तरफ लगेंगे, 2 इस तरफ लगेंगे, इन्हें भी हम स्पैनर की मदद से टाइट कर लेंगे। ये 10 नंबर आधे 1/4 इंची वाले बुलेट लगेंगे।
इसमें हम लाइट कवर लगाएंगे। ये रस्सी वाले यहाँ पे दो नट हैं, एक इधर एक इधर, इन्हें खोल लीजिएगा। खोल के चाहे फेंक सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, बाद में अगर लाइट कवर उतार के काम करना है तो बिना लाइट कवर के भी हम काम कर सकते हैं। इसके बाद ये लाइट कवर वाला एंगल है, इसे हम यहाँ पे लंबे बोल्टों के साथ यहाँ पर लगा देंगे। दस नंबर स्पैनर की मदद से इन दोनों बोल्ट को हम टाइट कर देंगे। ये लाइट कवर वाला आगे वाला फ्रेम हमारा लग गया। दूसरी पत्ती लाइट वाली यहाँ पर पीछे लगेगी, जो गियर बॉक्स में ये दो नट लगे हुए हैं 17 नंबर वाले, इन्हें खोल के यहाँ पे हमने इस एंगल को लगा देना है। ये इस तरह लगी, ये सी टाइप एंगल आगे की तरफ रहेगी, यहाँ टैंकी की तरफ जाके पे लगेगी। यहाँ हम इस तरह इसे दबा, यहाँ बोल्टों में दबा के लगा देंगे, ये लाइट कवर वाली दूसरी पत्ती लग जाएगी। लाइट कवर में चार रबड़ लगेंगी इस टाइप से, यहाँ पे ये रबड़ें लगी हुई हैं। ये रबड़ हम ये स्मॉल साइज को हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, इस तरह रबड़ यहाँ पर बैठ जाएगी। ये रबड़ नरम ही होती है, इस तरह दबा के बैठा देंगे। दो आगे लगेंगी वहाँ पर भी, वहीं पर भी रबड़ लगेगी, यहाँ पर भी रबड़ लगेगी। ये एक कवर है, ये एक्स्ट्रा ही रहता है, अगर आपने लगाना है तो यहाँ पे हैंडल में शो पीस है, यहाँ पे लगेगा ये, बस यहाँ पर दबा के इसे यहाँ पर बैठा देना है, या बैठ के थोड़ा आगे कर देना है, ये हैंडल को कवर करेगा। यहाँ पे हमारे लग चुके हैं लाइट कवर, लाएंगे यहाँ पे पहले दो एंगल में ये लाइट कवर के सुराख लगे बैठेंगे। यहाँ पर देखिए सुराख बैठ गए हैं, इनके स्टार यहाँ पर लगाएंगे, पीछे भी दोनों बैठ गए हैं। स्टार फिरकी हमारे पास चार दी गई हैं, तो उन्हें यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पे सेल्फ की वायरिंग मैंने फिर भी करके दी हुई है, लेकिन कई बार नहीं की हुई तो आप लगा सकते हैं, इसे नॉर्मली लगा सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये करंट वाली वायर है, ये बैटरी में ऊपर बक्से में लगेगी यहाँ पे, और अर्थ वाली भी दूसरी तरफ लग रही है। अब यहाँ से तीन दो पांच वायरें आ रही हैं, ये आपके डैड वाली वायर है, इसे इंजन के अंदर से यहाँ से आ रही है, यहाँ पर जोड़ देना है। और दूसरी येलो वाली वायर, इसे बॉडी के साथ अर्थ कर देना है। ब्लैक वाली वायर टैंकी के नीचे से आ रही है ऑन ऑफ के लिए, वहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद दो वायरें रह गई हैं, एक ब्लू एक ग्रीन। ब्लू को यहाँ पे सेल्फ के साथ ज्वाइंट कर देना है, यहाँ पे लाल वायर लगी हुई है, और ग्रीन को यहाँ पे शॉकट लगा हुआ है, यहाँ पे जोड़ देना है। इस तरह ये सेल्फ की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। वैसे मैंने अलग से भी वीडियो बनाया गया है। अब हम लाइट की वायरिंग लगाएंगे। लाइट के ऊपर से दो शॉकट आ रहे हैं, एक को हम ऑन ऊपर वाली लाइट स्विच में लगा देंगे, दूसरा शॉकट यहाँ इंजन के अंदर से आ रहा है जो लाइट के लिए है, इसे हम दूसरे शॉकट में लगा देंगे। इस तरह लाइट की वायरिंग कंप्लीट हो गई है, वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एक इंजन के अंदर से सेंटर से आ रही है, इसे सेंसर वायर बोलते हैं। इंजन में ऑयल कम होगा, ऑयल लेवल, तो ये इंजन अगर यहाँ पर टैंकी के नीचे से जो वायर आ रही है यहाँ से जुड़ी रहेगी तो इंजन बंद हो जाएगा, इसे भी हम लगा देंगे। ये इंजन सेफ्टी के लिए है, ये इसे ऑयल सेंसर वायर बोलते हैं। अब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे मशीन को। तो मशीन हमारी पूरी कंप्लीट तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं R125 10 HP मॉडल में। मशीन को अभी हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऑन पे कर लेना है, ये स्विच है इसे भी हमने ऑन पे कर लेना है, और रेस को थोड़ा बढ़ा के लेना है, आधी से थोड़ी कम रखेंगे रेस को, यहाँ पे रखना है। उसके बाद आगे आएंगे हम, आगे आने के बाद ये का पेट्रोल का ऑन ऑफ है, इसे अंदर की तरफ कर देंगे हम इंजन की तरफ, पेट्रोल ऑन हो जाएगा। ये वाइट वाली चोक है, ये अंदर बंद होती है चोक, बाहर लगती है। बाहर चोक लगा के हमने रिकॉल स्टार्टर मारना है,
स्टार्टर लगाएंगे। इस तरह हमने एक बार स्टार्टर खींच के इंजन स्टार्ट करना है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे पेट्रोल देखेंगे, यहाँ पे कार्बोरेटर में 10 नंबर चाबी की मदद से हम यहाँ पे हवा वाला नट खोलेंगे। यहाँ पे हवा निकालनी पड़ेगी पेट्रोल की। पेट्रोल आ रहा है, ठीक है, हवा निकल गई है मशीन में। दोबारा हम इन्हें लगा देंगे, दोबारा अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। अब हम दोबारा चौको स्टार्टर लगाएंगे। हवा निकल के साथ ही मशीन स्टार्ट हो गई है। ये एलईडी लाइट हमारी चल रही है।